हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन का रिप्लाई कैसे दें। अगर आपको नहीं पता कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने पे उसका क्या रिप्लाई देना चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको पांच ऐसे रिप्लाई बताऊंगा जिनका यूज आप कर सकते हो जब भी आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोले। सो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली रिप्लाई के बारे में। सबसे पहला रिप्लाई है ग्लैड टू हियर दिस फ्रॉम यू। इसका मतलब होता है आपसे यह सुनकर खुशी हुई। आपको जब भी कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है तो आप उसका रिप्लाई ऐसे दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरे रिप्लाई के बारे में। दूसरा रिप्लाई है इट रियली मीन्स अलॉट टू मी। इसका मतलब होता है यह सचमुच मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप कॉन्ग्रेचुलेशन का रिप्लाई ऐसे भी दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं तीसरे रिप्लाई के बारे में। तीसरा रिप्लाई है नाइस टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू। इसका मतलब होता है आपसे सुनकर अच्छा लगा, धन्यवाद। आप कॉन्ग्रेचुलेशन का रिप्लाई ऐसे भी दे सकते हैं। ऐसे भी सामने वाले को किसी ने रिप्लाई नहीं दिया होगा जब भी उसने किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला होगा। और अब हम बात करते हैं चौथे रिप्लाई के बारे में। चौथा रिप्लाई है योर विश मेड माई डे मोर स्पेशल। इसका मतलब होता है आपकी विश ने मेरे दिन को और खास बना दिया। आप ऐसे भी सामने वाले को रिप्लाई दे सकते हैं जब भी वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। और अब हम बात करते हैं पांचवें रिप्लाई के बारे में। पांचवा रिप्लाई है थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसका मतलब होता है मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद। आप ऐसे रिप्लाई भी दे सकते हैं जब भी आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। ऐसे रिप्लाई दोगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सामने वाले को कभी भी ऐसे रिप्लाई नहीं दिया किसी ने जब भी उसने किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। ये है हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।